नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो को कैसे बनाया जाता है इसकी पूरी जानकारी विस्तार से हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है और वीडियो बनाने के लिए लगने वाले सभी एप्स और फाइल्स इनका मैंने एक लिंक बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको बाद में डाउनलोड कर देना वीडियो देखने के बाद। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो लाइक कर देना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर आपको प्लस वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है। 9:16 वाला एस्पेक्ट रेशियो जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ऊपर आपको मीडिया में चले जाकर आपका वीडियो रिकॉर्डेड जिस फोल्डर में है उस फोल्डर पे चले जाइएगा। मेरा फिलहाल काइन मास्टर एक्सपोर्ट में है। उसके बाद वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, आपका वीडियो टाइम लाइन पर आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर साउंड पर जाके इसका वॉल्यूम जो है पूरा जीरो कर दीजिए, ठीक है। फिर एक बार वीडियो को, अगर वीडियो में कुछ वेस्टिंग पार्ट है स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में, तो उससे भी हटाने के लिए वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए और स्टार्टिंग में है तो इस तरह से ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। अब वीडियो को प्ले कर दीजिए और जब आप नाइफ फेंकते हो यानी कि इस तरह का, तो उसी समय आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद कटर में चले जाइए, उसके बाद स्प्लिट एट प्ले हेड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और एंडिंग वाला वीडियो पर आप रहोगे, फिर आपको बैक चले आना है और यहाँ पे स्पीड कंट्रोल में जाके स्पीड थोड़ी कम कर देने है ताकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको एंडिंग वाले वीडियो को सेलेक्ट कर देना है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और एक वीडियो आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है जिसमें चाकू है जो कि स्क्रीन की तरफ आ रहा है, और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट कर लीजिए। फिर आपको चाहना है क्रोमा की में, क्रोमा की एनेबल कर दीजिए और थोड़ा वीडियो को स्लाइड कर दीजिए इस तरह से, ये देखिए। अब क्रोमा की को एडजस्ट कीजिए इस तरह से, थोड़ा ग्रीन भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अभी आपको बैक चले आना है और थोड़ा जो ग्रीन रह गया है उसे हटाने के लिए आपको कलर फिल्टर में जाके इसे ब्लैक एंड वाइट कर देना है, ठीक है। अब बैक चले आइए। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे वापस चले आइए और नाइफ को पकड़ लीजिए और इस तरह से यहाँ पे सेट कर दीजिए और फुल स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। अब एक बार प्ले करके देखते हैं वीडियो स्टार्टिंग से। ठीक है, अब लेयर में जितना वीडियो है उसी के हिसाब से ऊपर वाला वीडियो कम कर दीजिए, ठीक है, नाइफ के हिसाब से। अभी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको जाना है एफएक्स में। एफएक्स में जाने के बाद बेसिक एफएक्स में जाना है, उसके बाद आपको गाउसियन ब्लर को चूज़ कर लेना है क्योंकि हमें इसी वीडियो को ब्लर कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ब्लर को खींच के पूरा फुल स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। और इसे यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसे भी कम कर दीजिएगा वीडियो के हिसाब से। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आ जाइए। अभी आप ऑडियो में चले जाना है और यहाँ पे एक ऑडियो डालना है, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। ये देखो, थोड़ा एंडिंग में लगा देते हैं हम इस तरह से। तो हमारा वीडियो रेडी हो गया। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस वाले सिंबल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपका रेजोल्यूशन चूज करके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइए और कमेंट में हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों।